ऐसे ऐसे ऋषि मुनि के द्वारा शोध हैं जो मंत्रों में परिलक्षित हैं, लेकिन वो कड़ी जो थी वो टूट गई है कहीं ना कहीं। और चाहे वो खगोल का शास्त्र रहा हो, आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ जिन्होंने गणित में पूरे खगोल विज्ञान दिया, तो निरंतर जो भारत के अंदर जो शोध शक्ति है, बीच के कालखंड में ये छूट गया, जिसके कारण हम विश्व पटल पर चौथे पांचवें स्थान पर आ गए, जबकि एक समय भारत इस मामले में विश्व गुरु था और आज फिर हम विश्व गुरु की ओर बढ़ रहे हैं। निरंतर नए नए शोध की तरह, हर टेक्नोलॉजी की तरह आज भारत आईटी के क्षेत्र में तीसरा स्थान, तो निश्चित रूप से इस ओर अपनी युवा पीढ़ी का रुझान भी रहा है। कई अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो विदेशों में काम करते हैं, अच्छे अच्छे पदों पर आसीन हैं, वो सभी भारत के बच्चे हैं। और खुशी होती है जान के हम लोगों को कि वो अच्छी तरह से वहां आईटी के क्षेत्र में एक बड़ा बड़ा आयाम खड़ा किए हुए हैं, जो वहां के स्थानीय नागरिक को मार्गदर्शन देते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में भारत पहले भी विश्व गुरु था और आज भी विश्व गुरु की ओर पहल कर रहा है।